नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि अब किसी का दाखिल खारिज का पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। आखिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ भूल कर रहे हैं, किस बात को आपको ध्यान देना होगा, उसी के विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और कहाँ हम लोग फॉल्ट करते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों का पेपर या किसी का पेपर जो दाखिल खारिज में हम लोग अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट होता है। उसमें दो कारण है, ठीक है। उस दो कारण को हम लोग स्पष्ट रूप से समझने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर समझना चाहते हैं और ये भूल हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं जो सभी लोगों से हो रहा है अभी तक और नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो पूरा देखिए। 5 मिनट का है, 6 मिनट का है, 6 मिनट समय दीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, तब जाकर के समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का फॉल्ट कहाँ होता है, प्रॉब्लम कहाँ होता है, हम लोगों का घाव कहीं और है, दवा कहीं और लगा रहे हैं। इसलिए जहाँ आपका घाव है, जहाँ दर्द है, वहाँ ही मलहम लगाए तो अच्छा होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे चैनल पर, और पुराने होंगे और देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो हमारा ओर से धन्यवाद है, थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर बात समझ में आ जाए तो। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 टॉपिक पर कि देखिए, पेपर जो रिजेक्ट किया जाता है तो सबसे फर्स्ट रीजन, उसका फर्स्ट कारण क्या है कि या तो आपके पेपर में, या तो जैसे मान लीजिए कि कोई अगर जमीन खरीदते हैं तो उसका खाता नंबर होता है, सर्वे नंबर होता है, या जमाबंदी नंबर होता है। तो इन तीनों चीजों में से अगर आपका कोई भी त्रुटि अगर दिखाई देगा, जब देखा जाएगा रजिस्टर 2 से मिलाया जाएगा या ऑनलाइन अभी मान लीजिए कि दिखा रहा है, अगर दोनों को मिलान किया जाएगा, जिस पार्टी से आप खरीदे हैं और जो आप पेपर में भी डलवाए हैं, तो जिस आपका पेपर जो नया दस्तावेज जो नया केवाला बन के आया है उस पेपर में, और जो बेचा है उसके पेपर में जो पहले रिकॉर्ड में है, तो उससे अगर मैच कर गया तब तो हो जाएगा पूरा प्रूफ के साथ। अगर नहीं मैच कर रहा है, मान लीजिए कि इसमें आपका खाता नंबर कुछ अलग हो गया और उसमें अलग हो गया, तब मैच नहीं कर रहा है जिससे आप खरीदे, नहीं खरीदे तो आपका ये रिजेक्ट कर देगा, या सर्वे नंबर हो, या खाता नंबर हो, या जमाबंदी नंबर हो, तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिजेक्ट को सुधारने के लिए वो लोग के हाथ में है कि सुधार करके अपना काम करवा सकते हैं लोग, तो उसके लिए पैसा लेता है लोग, कुछ पैसा लगता है, या अपने से आप करवाइएगा तब परिमार्जन में डाल दीजिएगा और वहां पर लिखित रूप से फॉर्म भर दीजिएगा कि हमारा ये चीज स्टेप गलत है, इसको सुधारा जाए, तो सुधर जाएगा तो आपका फिर से अप्लाई हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, अगर सब कुछ ठीक है फिर भी रिजेक्ट है, तो उसको क्लियरली करने के लिए आपको DCLR का प्रयोग करना पड़ता है और एक वकील रखना पड़ता है, बहस चलता है, उसके बाद आपको डिसीजन मिलता है कि दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर कि सेकंड नंबर का मेन यही कारण है त्रुटि, हर एक पेपर को रिजेक्ट होना। बहुत सारे पेपर ऐसे रिजेक्ट होते हैं, कैंसिल होते हैं, क्यों? सेकंड नंबर रीजन के कारण। अब बताते हैं कि किसी का जमीन पैतृक है, खानदानी है, संपत्ति है, उस जमीन से किसी ने लिया, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं यहां पर, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा कि ए का जमीन है, ठीक है, पैतृक है, पैतृक है, और ए ने बेचा बी से, बी से बेच दिया, और बी क्या किया, इसका तो पैतृक संपत्ति है पहले से, दादा परदादा का चीज है, ये बेच दिया और बी से बेच दिया, और बी क्या किया कि ये म्यूटेशन नहीं कराया, यानी कि दाखिल खारिज नहीं कराया, ये भी नहीं कराया। उसके बाद बी क्या किया कि सी से बेच दिया, जब सी कराने गया दाखिल खारिज, म्यूटेशन कराने गया, जब ये कराने जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिजेक्ट हो जाएगा यहीं से, क्यों? क्योंकि इसके नाम पर यहां पर क्या हुआ कि जमीन यहां पर नहीं ट्रांसफर हुआ, और डायरेक्ट इसने क्या किया कि इसको दिया और इसने इसको दिया, लेकिन जब ये दाखिल खारिज में डालेगा तो जितना इसका खाता नंबर होगा, उसके बाद इसका सर्वे नंबर होगा, जमाबंदी होगा, ये सब कुछ शो करेगा किसके नाम पर, ये पैतृक संपत्ति वाले के नाम पर,
और बीच में बी इसको दे दिया, तो इसके दस्तावेज में तो इसका नाम हो गया कि इसने बेचा। मान लीजिए कि रमेश बेचा और सुरेश खरीदा, तो यहां पर दिखाएगा कि रमेश बेचा सुरेश खरीदा, लेकिन जब रिकॉर्ड चेक होता है तो वहां पर सुरेश रमेश के नाम से वहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई आपका वहां पर जमीन ही नहीं है, इनके नाम पर दाखिल खारिज नहीं है, तब जाकर के इसका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आखिर आप खरीदे हैं तो किसके आधार पर खरीदे हैं, ना इसका पैतृक संपत्ति है ना अपना खरीदा है, लेकिन ना इसका म्यूटेशन ना इसके नाम पर दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, ट्रांसफर हुआ ही नहीं, ये जो जमीन आप खरीदे हैं डायरेक्ट किसका नाम शो कर रहा है, यहां से शो कर रहा है, तो जमीन यहां शो कर रहा है आप लिए हैं इस रमेश से, तो ये कारण बनता है। तो ऐसे में अगर आपको म्यूटेशन कराना है, रिजेक्ट नहीं करवाना है, तब जाकर के आपको क्या करना होगा कि जब आप सुरेश हैं, सुरेश जब ये जाएगा दाखिल खारिज कराने तो ई रमेश वाला दस्तावेज ले जाएगा, रमेश वाला दस्तावेज या रसीद या जो कोई भी होगा पेपर उसके सबूत में, तो ये आप उसके साथ लगाएगा, क्योंकि जब इसका दस्तावेज या रसीद जाएगा तो ये जो इसे लिया है तो इसने बेचा है, मान लीजिए कि महेश है, महेश बेचा, तो जो महेश बेचा उस रमेश से तो इसका नाम इसमें दर्ज हो जाएगा कि बेचा किस तारीख को बेचा और इसका ये पैतृक संपत्ति है, अपने अधिकार के हिसाब से बेचा है, और यही चीज आपको चला आएगा यहाँ पर, तब ये आपको क्लियर कर देगा कि महेश बेचे रमेश से और रमेश बेचे सुरेश से और सुरेश दाखिल खारिज कराने आए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो बात जाकर के यही फंसती है कि जो बीच पार्टी है वो दाखिल खारिज नहीं कराया, फर्स्ट पार्टी बेचा सेकंड को, सेकंड बेच दिया थर्ड को, और थर्ड जब कराने जाएगा तो डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टी इसको दिखाई देगा रिकॉर्ड के माध्यम से, और इसके नाम पर कुछ है ये नहीं है, तो यहीं से रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको अगर बढ़िया से आपको म्यूटेशन कराना है तब जाकर के आपको इसका दस्तावेज जो होगा या इसका रसीद होगा या इसके पास जो प्रूफ होगा इसके वाला जो इससे रजिस्ट्री कराया होगा तो इसका पेपर आप लगा दीजिएगा, तब जाकर के आपका म्यूटेशन सही रूप से हो जाएगा और कहीं रिजेक्ट नहीं होगा, कहीं रिजेक्ट नहीं होगा। अगर कर्मचारी करता है तो वहां पर आपको एक अप्लाई कीजिएगा, एक पेपर दीजिएगा, एक कंप्लेन दीजिएगा, तो वहां पर कर्मचारी या सीईओ हो सकता है कि वो डिसमिस हो जाए अगर इस नियम के माध्यम से देते हैं तो, लेकिन अगर आप इसको बीच में छोड़ते हैं तो फिर नहीं होगा, फिर रिजेक्ट होगा, तो आप सीईओ को दोषी नहीं दे सकते हैं, ये आपका दोषी हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आज के बाद से जो भी पैतृक संपत्ति खरीद रहे हैं या थर्ड पार्टी वाला का चेक कीजिए कि म्यूटेशन कराया है कि नहीं, और सेकंड वाला कराया है कि नहीं, सेकंड कराया होगा तो इसके नाम पर तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर सेकंड वाला नहीं कराया होगा तब जाकर के उसका पेपर आपको लगा कर उसको देना होगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और ऐसा गलती अब कभी नहीं कीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कीजिएगा कि इसके विषय में आपको क्या कहना है, अगर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कीजिएगा, सवाल समझाने का प्रयास मैं करूंगा, जितना उम्मीद हो सके उतना मैं उम्मीद करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।